हेलो गाइस, दिस इज सुभाष शर्मा एंड यू आर वाचिंग टेक विद सुभाष। तो कैसे हो आप गाइस? आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताने वाला हूं, तरीका ही बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप अपने न्यू पोस्ट को गूगल में सर्च में ला सकते हो। बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि वो स्पेशल, मान लीजिए कोई फेस्टिवल आ रहा है उससे रिलेटेड या फिर कोई भी आर्टिकल लिखते हैं तो वो सर्च में जल्दी नहीं आता, और जल्दी ना आने की वजह से उन्हें जो है प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में आज के इस वीडियो में आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप अपने न्यू पोस्ट को जल्दी से जल्दी सर्च में ला सकते हो। अब मैं ये भी नहीं कहता कि आपके जो वो टॉप 10 में आ जाएगा सर्च रिजल्ट में या फिर टॉप 3 में आ जाएगा, वो तो आपने किस तरीके से पोस्ट लिखा है, एसईओ कहाँ तक किया उसके हिसाब से आएगा, लेकिन मेरा ये जो तरीका है इससे सर्च में आने लग जाएगा। अब कितने नंबर पर आता है वो तो आपके आर्टिकल डिपेंड करता है और कितना एसईओ आपने किया उस पर डिपेंड करता है। सो आज के इस वीडियो में आपको इतना ही बताने वाला हूँ कि कैसे आप जो जल्दी से जल्दी अपने जो न्यू पोस्ट है उन्हें सर्च में ला सकते हो, क्योंकि गूगल में इंडेक्स होने में टाइम लगता है। तो जल्दी से जल्दी आप कैसे ला सकते हो, एक जो है तरीका है उसकी मदद से आप ला सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ पर नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आपको दिखाई दे रहा है, उसको क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास में आने वाले घंटे को दबा देना ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपके पास सूचना पहुंच जाए। और गाइस सब्सक्राइब तो कर ही लेना यार, क्योंकि 10,000 करने हमें सब्सक्राइब, तो जल्दी से सपोर्ट कीजिए और 10,000 सब्सक्राइबर करवा दीजिए। 10,000 सब्सक्राइबर पूरे होंगे तो आपके लिए कोई गिवे भी प्लान कर रहा हूँ, वो गिवे भी आपके लिए आने वाला है। तो 10,000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी कर दीजिए। तो सबसे पहले आपको अपना सर्च कंसोल ओपन कर लेना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने वेब मास्टर, गूगल का जो वेब मास्टर टूल है इसमें जो है ओपन कर लिया है। यहाँ पर आपको अपनी प्रॉपर्टी वगैरह ऐड कर लेनी होगी। अगर आपको नहीं पता कि किस तरीके से प्रॉपर्टी वगैरह ऐड करते हैं तो ऊपर आई बटन पर लिंक मिल जाएगी, उसे देख लीजिए। उसके बाद जो इसका डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको करना क्या होगा, साइन अप वगैरह सबमिट आपने कर ही दिया होगा, अगर नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, उसके बाद का ये प्रोसेस है। तो यहाँ पर आप देखिए, आपको आना है लेफ्ट साइड में, आप देखोगे ना तो ये क्रोवल का एक ऑप्शन मिलेगा, क्रोवल जो भी है इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद बहुत से जो है एरर वगैरह, स्टेटस वगैरह जो भी आपको देखने को मिलेंगे उनमें से आपको किसी को भी जो छेड़खानी नहीं करनी है। एक तीसरे नंबर वाला ऑप्शन मिलेगा क्रोल में, यहाँ पर तीसरे नंबर वाला मिलेगा फेच एज ए गूगल, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो अगली जो है वो विंडो आपके सामने कुछ इस तरीके से ओपन होगी। अब क्या करना है, जिस पोस्ट को आपने लिखा है उसे ओपन कर लीजिए। बाय द वे मैंने जो है एक पोस्ट ओपन करके रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये मेरी वेबसाइट है, ये मैंने न्यू पोस्ट लिखा था 4 जनवरी को, इसे जो हमें कर रहा हूँ। अब आप अपने अनुसार, मैंने तो कोई नया पोस्ट नहीं लिखा इसलिए 4 जनवरी यहाँ पर आ रहा है, आपने अगर कोई लिख रखा होगा तो उसे ओपन कर लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने कुछ ऐसा ओपन करके रखा है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये जो URL है ऊपर वाला ये सही नहीं है, चलो कोई बात नहीं, दूसरे पोस्ट को ओपन करते हैं। यहाँ पर URL सही से नहीं आया था। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने जो नया पोस्ट ओपन करके रखा है, तो यहाँ पर ऊपर URL देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैंने लगा रखा है ट्रांसलेट करने का, अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहो तो वो आप कर सकते हो। तो यहाँ पर गाइज आपको क्या करना है, ये .com यहाँ पर आपका डोमेन होगा, www.myhindiarticle.com या फिर .in जो भी होगा, इसके आगे का जो कुछ भी है URL उसे कॉपी कर लीजिए। इसके आगे का जो कुछ भी है उसे कॉपी कर लीजिए। अगर आप मोबाइल से कर रहे हो तो इजीली सेलेक्ट कीजिए, उसे कॉपी कर लीजिए। अगर आप लैपटॉप से कर रहे हो तो कंट्रोल सी दबाकर कॉपी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने कॉपी कर लिया, या फिर अपना जो माउस वाला लेफ्ट वाला साइड का बटन दबाओ और यहाँ पर कॉपी का बटन आ गया तो कॉपी कर लीजिए। उसके बाद उसी पेज पर फिर से जाना है और यहाँ पर आपको ये जो बॉक्स मिलता है आपको जो अपने अनुसार यहाँ पर डालना है, जो URL कॉपी किया था उसे पेस्ट कीजिए। पेस्ट करने के लिए कंट्रोल V प्रेस कर सकते हो या फिर मोबाइल से कर रहे हो तो इजीली आप कर ही लोगे। तो यहाँ पर मैं जो पेस्ट कर देता हूँ, आप देख सकते हो कि मैंने पेस्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, मोबाइल या फिर डेस्कटॉप, किसके लिए आप जो इसे करना चाहते हो। तो बेसिकली मेरे तो यूजर ज़्यादा स्मार्टफोन की है तो मैं स्मार्टफोन यहाँ पर कर लेता हूँ। उसके बाद 3-4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, फेसेज ये सब कुछ आपको देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर फेस पे आपको क्लिक कर देना है। चलिए हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद ये जो थोड़ी बहुत लोडिंग वगैरह लेगा और फाइनली आप देख सकते हो कि जो है ऐसा कुछ आपके सामने आ गया, ऊपर वाला देख सकते हो। और उसके बाद में आप देख सकते हो रिडायरेक्ट का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिला है और यहाँ पर रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो ये सब कुछ जो है आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको बेसिकली एक कैप्चा फिल करना होगा, आई मीन नॉट रिवॉर्ड का, इस पर आप क्लिक कीजिए, आई मीन नॉट रिवॉर्ड। इस पर क्लिक करने के बाद ये जो है अपने आप जो है कैप्चा फिल हो जाएगा। मैंने अभी जो देखा है नया जो इंटरफेस देखने को मिला, कैप्चा अपने आप जो फिल हो जाता है। अगर आपका अपने आप फिल नहीं होता तो आपसे पूछेगा कि ये जो कार को सिलेक्ट कीजिए या फिर बिल्डिंग को सिलेक्ट कीजिए, स्टूटेज ये जो स्टेच्यू होते हैं उनको सिलेक्ट कीजिए वगैरह वगैरह का आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर 3-4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो क्रॉल ओनली दिस URL, यानी कि URL पे क्लिक करना है या फिर जो रिडायरेक्ट करना है। तो मेरे हिसाब से आपको ऊपर वाला सिलेक्ट करना चाहिए। उसके बाद गो पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने गो पे क्लिक कर दिया और यहाँ पर आप देख सकते हो
इंडेक्स रिक्वेस्टेड हो गया है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो इंडेक्स रिक्वेस्टेड हो गया है, यानी कि हमने जो रिक्वेस्ट कर दिया है, अब ये जो कितने देर में होता है वो तो गूगल पे डिपेंड करता है, लेकिन जल्दी हो जाएगा, आपको ज्यादा टाइम लेने की जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से घंटे दो घंटे में हो जाता है, कभी कभी तो मैंने देखा कि आधे घंटे में हो जाता है, लेकिन घंटा दो घंटा या फिर 10 घंटे के अंदर अंदर हो जाएगा। तो ये तरीका आप यूज कर सकते हो और गूगल के सर्च में आपका जो पोस्ट है, न्यू पोस्ट, वो आ जाएगा। सो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।